वीरभान मोटवानी रामनगरी निवासी एक फ्लैट में रहते हैं और उनका बेटा बीते 5 सालों से उस फ्लैट में रहता था। उन्होंने अपने मैनेजर राकेश को एक फ्लैट भी दिया है और इस पर बंसाली का कहना है ये फ्लैट में ज़बरदस्ती से रह रहे, लेकिन वीरभान मोटवानी ने कहा कि हमारे पास सबूत है, उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बंसाली जी का कहना है कि भाई हम इसमें ज़बरदस्ती घुसे हैं, हमारे पास सब प्रूफ है, सब एविडेंस है। यहाँ के मेरा पोता है करण, उसका स्कूल के सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे हमने जो खरीदी किया है कुछ वॉशिंग मशीन्स, ऐसे कुछ बिल्स, यहाँ का मोबाइल लोकेशन वगैरह सभी हमारे पास है। इनके बाद में भी ये लोग हमारे ऊपर FIR कर रहे कि हम लोग इनके फ्लैट पे लॉकडाउन में कब्जा करके बैठे हैं, ये कहाँ तक सही है? और इनका झूठे मूठे गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया गया है। रोज़ पेपर में आ रहा था, इन्होंने कुछ FIR दर्ज करवाए कि भाई हमारे से जो झूठी और बेबुनियाद है कि भाई हम लोग इनसे पैसा मांग रहे फ्लैट खाली करने का, जबकि इनकी शॉप है हमारे पास जिसका नाम साहिल ऑप्टिकल है, जो अभी जिसका एग्रीमेंट ख़त्म होने का है, अभी टाइम होना है अभी बाकी, लेकिन इनका कहना है कि मुझे शॉप और फ्लैट ये खाली करके दे दीजिए। और उन्होंने हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाया है कि हम लोग उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। जो भी चीज़ें मीडिया में या पेपर पे आई उसके अगेंस्ट मतलब हमने मैडम को भी रिक्वेस्ट किया, जिस पर मैडम बोला ठीक है, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लेवल पे और जितनी जल्दी हो सकता है सिर्फ शॉर्ट आउट करके हम रिपोर्ट जो है वो CP सर को दे देंगे और वहाँ से जो भी एक्शन होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रही बात हमारी मांग की, तो हमारे मांग ऐसी कुछ नहीं है, शॉप का एग्रीमेंट अभी 30 दिन को ख़त्म होने वाला है और उसमें एक क्लॉज और भी है कि हम उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और फ्लैट का तो कोई इशू ही नहीं था क्योंकि वो शॉप पे कुछ लीगली एक्शन ले नहीं सकते हमारे अगेंस्ट, इसलिए वो फ्लैट के बहाने से हम लोग को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात यहाँ पर रहने की, 3 साल 5 साल जो भी हमारा लिविंग पीरियड रहा है, हमने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमारा सेशन है जो हमारे PI ऑफिसर लोगों को दे दिया है, वो लोग ऑलरेडी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अपने हमने सारे एविडेंस वहाँ पेश कर दिए हैं। उनके खिलाफ इस तरह से झूठे आरोप लगाए गए, वह एक दुकान के मालिक है, उनकी राय है कि दुकान के सभी फ्लैटों की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।